स्टूडेंट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बेसिक एग्री हब आई एम नेहा हेयर फॉर यू विदयल साइंसटूडेंट लेट स्टार्ट द टू डे से टॉपिक सॉइल एग्रीगेट एंड सॉइल कंसिस्टेंसी हेयर यू कैन सी टू पिक्चर फर्स्ट ऑफ सॉइल एग्रीगेट एंड सेकेंड इज ऑफ सॉइल कंसिस्टेंसी इस पिक्चर में स्टूडेंट आप क्या देख रहे हो कि ये सिंगल पार्टिकल है ओके जब ये सिंगल पार्टिकल बहुत सारे पार्टिकल ऐसे सिंगल सिंगल बहुत सारे पार्टिकल आकर मिल गए हैं तो वो क्या बनाए हैं स्टूडेंट सॉइल एग्रीगेट्स ओके एंड सॉयल कंसिस्टेंसी क्या है रिसिस्टेंट पावर जैसे आप देख रहे हो ये सॉइल है इसमें वाटर ऐड करके ये हम लोगों ने बचपन में बनाया है हाथों के बीच कर कर लंबे लंबे से बनाना लंबे लंबे शेप में ओके okay? देन ये क्या है सॉइल कंसिस्टेंसी मीन्स कितना रिसिस्टेंट पावर है सॉइल का अपने स्ट्रक्चर अपने शेप से चेंज होने का तो देखते हैं स्टूडेंट इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सॉइल एग्रीगेट क्या होता है सेकेंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल एग्रीगेट इम्पॉर्टेंट एग्रीगेट सॉइल के लिए सॉइल कंसिस्टेंसी क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कंसिस्टेंसी ओके आप यहाँ पे दो पिक्चर देख रहे हो ओके सॉयल एग्रीगेट्स के बगल में ये दोनों पिक्चर क्या शो कर रहा है क्योंकि सॉइल एग्रीगेट मिलनी हम लोग जो पढ़ते हैं वो सॉइल पोरोसिटी के कारण पढ़ते हैं ठीक है जो कि हाँ प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा प्लांट और सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हो हाई पोरोसिटी एंड इस पिक्चर में जो देख रहे हो राइट right साइड में उसमें लेस पोरोसिटी है पोर स्पेस का मैं बात कर नहीं रही हूँ पोरोसिटी पोरोसिटी और पोर स्पेस दोनों डिफरेंट होता है ओके okay? पोरोसिटी क्या है कि मीन्स कितना इसका स्पेस है ठीक है आप देख सकते हो कि एज कंपेयर टू दिस पिक्चर इसमें बड़े बड़े स्पेस हैं ठीक है तो इसमें पोरोसिटी क्या है हाई है और राइट साइड वाले में इसमें पोरोसिटी क्या है कम है बट आप ये भी देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ पोर्स आप अगर इसमें काउंट भी करो तो वन टू थ्री फोर फाइव मुश्किल से सेवन एट है ओके okay? एंड इसमें आप अगर काउंट करने लगो राइट साइड में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बहुत है ठीक है तो ये ये जो पिक्चर है ये शो कर रहा है हाई पोरोसिटी एंड ये लो पोरोसिटी ओके पर नंबर ऑफ पोर स्पेस जो है इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है ओके लेट्स सी व्हाट इज शॉ एग्रीकेट सॉयल एग्रीगेट आर क्लम्स ऑफ सॉइल पार्टिकल डेट आर हेल्ड टूगेदर बाई मॉइस्ड क्ले ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बाई फंगल है ओके तो सॉइल एग्रीगेट क्या है कलम्स सॉइल का मान लीजिए बहुत सारा इसमें सॉइल पार्टिकल मिक्स होकर एक कलम्स बनाया है एक क्या कह सकते हैं एक क्लॉट्स टाइप का फॉर्मेशन किया है ठीक है ये टुगेदर ये सब एक साथ आते कैसे में सॉइल एग्रीगेट फॉर्म कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट क्ले अगर उसमें क्ले ऐड है तो ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि लीफ का टीशु प्लांट लीफ का टीशु या फिर रूट ये सब के हेल्प के कारण ये सब के कारण क्या होता है सॉइल एग्रीगेट एक साथ इकट्ठा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब की वजह से फंगल हाइपी की वजह से सॉइल एग्रीगेट है हम लोग आगे देखेंगे कैसे बैक्टीरिया फंजाई ये सब हेल्प करता है सॉइल को एग्रीगेट करने में ओके एग्रीगेट वेर इन साइज फ्रॉम टू थाउजेंड एम एम जो एक्रॉस टू एम एम जो एग्रीगेट का साइज होता है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है टू थाउजेंट एम एम का भी हो सकता है एंड छोटा टू एम mm एम तक का भी हो सकता है सम ऑफ दिज पार्टिकल्स फिट क्लोजली एंड सम डू नॉट एंड दिस क्रिएट स्पोर्स अब अब ये क्या कहना चाहता है स्टूडेंट कि मान लीजिए कोई सॉइल पार्टिकल है ठीक है वो एकदम क्लोजली आकर अगर फिट हो गया है ठीक है देन इसमें पोर स्पेस तो है ही नहीं आप देख रहे हो सॉयल सॉयल में पोरस स्पेस कब बना जब ये दूर दूर है ठीक है इन डिस्टेंस है ठीक है तो अगर ये इन डिस्टेंस है देन ये क्या फॉर्म करेगा स्पेस क्रिएट करेगा और हम लोग को सॉइल सॉइल एग्रीगेट में स्पेस ही चाहिए ठीक है और ये क्लोजली फिट नहीं होने की वजह से ये स्पेस क्रिएट कर देता है दीज स्पेस और पोर इन और बिटवीन सॉयल एग्रीगेट्स ये क्या हो सकता है इन और बिटवीन मीन्स सॉइल सॉयल के जो पार्टिकल है उसके बिटवीन भी हो सकता है या फिर दो सॉइल एग्रीगेट मान लो ये दो सॉयल एग्रीगेट है ठीक है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है ठीक है तो ये दोनों के बीच का गैप एंड बिटवीन सॉयल का गैप ये दोनों मैटर करता है ठीक है इसमें अगर दोनों इसेंशियल है वाई दिस इज इसेंशियल ये इसेंशियल क्यों है फॉर अ अस्ट्रॉन्ग एयर वाटर इसेंशियल फॉर स्टोरिंग एयर वाटर माइक्रोब्स न्यूट्रेंट्स ऑर्गेनिक मैटर क्योंकि अगर स्पेस रहेगा तभी तो उसमें वाटर प्रेजेंट होगा तभी तो एयर का मूवमेंट होगा उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे उसमें न्यूट्रेंट ऑर्गेनिक मैटर ये सब स्टोर होगा सॉइल विथ मेनी एग्रीगेट्स आर कॉल्ड वेल एग्रीगेटेड अगर किसी सॉइल में ज़्यादा एग्रीगेट है ठीक है अगर कोई सॉयल है ठीक है वो उसमें अगर पोर स्पेस अवेलेबल है देन उसे वेल well एग्रीगेट कहेंगे कि वो एग्रीगेट कैसा है अच्छा एग्रीगेटेड है अब हम लोग देख हैं कि बैक्टीरिया कैसे सॉयल एग्रीगेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया है स्टूडेंट जो दो तरह से सॉयल एग्रीगेशन में हेल्प करता है फर्स्ट पॉलिसक्लाइड के फॉर्म बनाकर एंड सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप करके तो फर्स्ट पॉलिसक्राइड कैसे डेवलप कर पॉलीसेक्ट्राइड डेवलप कर, कैसे करेगा मीस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो माइक्रो माइक्रोब्स होते हैं बैक्टीरियाज होते हैं वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि पोलीसैक्राइड कहते हैं ठीक है ठीके? और ये जो पोलीसेक्राइड होता है वो रिसिस्टेंट नेचर का होता है मीनस ईजिली डिकम्पोज नहीं होगा जब ईजिली डिकम्पोज नहीं होगा तो उसके साथ जो सॉयल पार्ट का ऐसा बाउंड है वो ब्रेक नहीं होगा उसका वो एग्रीगेट फॉर्म में रहेगा तो ये क्या है? करता है एग्रीगेट फॉर्म करता है ठीक है रेसिस्टिंग डिकम्पोजिशन लॉन्ग इनफ टू इन्वॉल्व होल्डिंग पार्टिकल्स टुगेदर इन एग्रेट वो क्या करता है लंबे समय तक एक साथ पार्टिकल को इकट्ठा करके रखता है इस तरह से स्वाइल एग्रीगेट फॉर्म हो जाता है सेकेंड क्या है डेवलपिंग अ स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ये क्या करता है एक बैक्टीरिया खुद में क्या करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप करता है जिसकी वजह से क्या होता है जो क्ले पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है मान लीजिए ये बैक्टीरिया है ठीक है इसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप है ठीक है और ये क्या करेगा जो क्ले पार्टिकल पे जो चार्ज डेवलप है उनको अट्रैक्ट करेगा और इस वजह से ऐसे ये सॉइल एग्रीगेट का फॉर्म करते हैं सॉयल एग्रीगेट मतलब क्या इकट्ठा होना पार्टिकल का एक साथ आना ठीक है नेक्स्ट ई विद फंजाई इन सॉइल एग्रीगेट फंजाई कैसे हेल्प करता है आपको पता है कि फंजाई क्या होता है एक फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हाइफिया कहते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का उसे क्या कहते हैं हाइफिया कहते हैं वैसे फंजाए बैक्टीरिया के बारे में हम लोग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे बट अगर ये फिर चेन लाइक -like बनाता है ठीक है तो इसे माइसीलियम कहते हैं ठीक है थीके? और ये सॉइल को एग्रीगेट कैसे करता है इंटेंगल करके मीन्स जालीदार बनाएगा खुद को ये इतना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है खुद को ये इंटेंगल कर लेता है और इसमें सॉइल सॉइल पार्टिकल क्या होता है इकट्ठा होता है एक साथ एग्रीगेट होता है ओके फंजाई ग्रो इन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल हाइफिया जो फनजाई ग्रो लंबे टाइप का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हाइफिया कहते हैं द अमाउंट ऑफ एग्रीगेशन इन सॉइल हैज फाउंड टू रिलेट द लेंथ ऑफ हाइपिया इन द सॉइल कितना एग्रीगेट हो रहा है सॉइल में कितना ज़्यादा एग्रीगेट हो रहा है सॉइल ये डिपेंड करता है कि लेंथ कितना है फंगल हाइपिया का ओके फनजाई हेल्प टू फॉर्म एग्रीगेट इन सॉइल बाई इन टैंगल द सॉयल पार्टिकल विद दियर हाइफिया एंड

वैसा माइक्रो माइक्रो माइक्रोहेजल फनजा माइक्रोहेजल फंजाई क्या होता है एक रिलेशनशिप में रहता है प्लांट हायर रूट्स के साथ ये फनजाई रहता है ओके एंड फनजा डेट कोलोनाइज वैसा फंजाई जो क्या करता है कोलोनाइज करता है ऑर्गेनिक मेटर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फनजाए जो स्टेबल करता है सॉइल सॉइल को एंड एग्रीट फॉर्म करने में हेल्प करता है अब बढ़ते हैं हम लोग है। का स्टूडेंट सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल एग्रीगेशन सिग्निफिकेंस क्या है सॉइल एग्रीगेट का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है सॉइल एग्रीगेट का अगर सॉइल में पोर स्पेस अवेलेबल है ठीक है अगर पोरोसिटी है सॉइल में पोरोसिटी है देन वो गुड सॉइल माना जाता है अगर पोरोसिटी नहीं है दस दिन दिन उसमें पुअर एरिगेशन होगा उसमें वाटर मूवमेंट पुअर अच्छे से नहीं होगा इस वजह से क्या होगा प्लांट का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है सॉयल एग्रीगेशन इज इंपॉर्टेंट टू डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ गुड पोरोसिटी सॉयल एग्रीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए पोरोसिटी को सॉइल के पोरोसिटी को मेंटेन करें हेज़ टू रू गुड रूट ग्रोथ एंड टू मूवमेंट टू ऑफ सॉइल वाटर इस वजह से क्या होगा रूट ग्रोथ अच्छा होगा एंड जो मूवमेंट है सॉइल वाटर का वो भी प्रॉपर होगा एंड गैसेस का भी मूवमेंट प्रॉपर होगा विथ मोर इन द दॉयल पोर्स स्पेस इट इज एक अगर मान लीजिए कोई सॉइल में कोई सॉयल है उसमें ज़्यादा पोर स्पेस एवेलेबल है और वाटर है सॉरी यहाँ पे वाटर होगा विथ यहाँ पे वाटर छूट गया है आप ध्यान देंगे यहाँ पे वाटर होगा विथ मोर वाटर इन द दॉयल स्पेस इस अगर ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है सॉइल पोर स्पेस में तो क्या होगा द रेट ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन विल इंक्रीज जो रेट है वाटर फिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन का वो इंक्रीज होगा अब स्टूडेंट पहले तो आपको ये समझना होगा कि इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन में अंतर क्या है जो सरफेस से अगर इंटर कर रहा है वाटर ठीक है मान लीजिए यहाँ पे आपका प्लांट ग्रोथ है ठीक है अगर यहाँ से वाटर इंटर कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में देन इसको इनफिल्ट्रेशन करते हैं सरफेस के पास से परकुलेशन है कि डाउन ये परकुलेशन में भी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है बट ये कहीं से भी हो सकता है ठीक है यहाँ से भी हो सकता है मिडिल पार्टिकल से मान लीजिए यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है देन उसको परकुलेशन कहेंगे ठीक है बट अगर एक सरफेस से इंटर कर रहा है देन उसको इनफिल्ट्रेशन कहेंगे नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट सॉइल क्रस्टिंग विल भी लेस मतलब क्रस्ट जो फॉर्मेशन होगा अगर वाटर प्रेजेंट है तो क्रस्ट फॉर्मेशन होगा ही नहीं आपको मैंने पहले वाले लेक्चर में भी, भी दिखाया एक पिक्चर जो क्ले सॉइल का कि वो क्या करता है क्रस्ट फॉर्म करता है ठीक है क्यों ड्राई होने के कारण अगर उसमें वाटर प्रेजेंट है ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है उसमें देन क्या होगा सॉयल का क्रस्ट फॉर्म नहीं करेगा और क्रस्ट फॉर्म नहीं होने के कारण क्या होगा रूट रूट पेंट्रेशन अच्छा होगा सॉयल मॉइस्चर उसमें अच्छे से प्रेजेंट होगा न्यूट्रेंट ये सब अच्छे से प्रेजेंट होगा सॉयल इबिलिटी भी डिक्रीज होगा अगर सॉयल में वाटर वाटर प्रेजेंट है देन इरोड नहीं होगा मीन्स एयर के थ्रू वो मूव नहीं करेगा ज़्यादा वाटर नहीं वाटर भी होना चाहिए एडिकुएट अमाउंट में ज़्यादा तो फिर वो वो भी इरोजन क्रिएट करेगा रन ऑफ बिल डिक्रीज रन ऑफ डिक्रीज हो जाएगा मेकिंग मोर वाटर अवेलेबल टू द क्रॉप और क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा अवेलेबल होगा हमारे क्रॉप को ओके okay? क्या अवेलेबल होगा वाटर ज़्यादा अवेलेबल होगा हमारे क्रॉप को स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं सॉइल एग्रीगेशन यहीं पे खत्म होता है बस नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है सॉइल कंसिस्टेंसी सॉइल कंसिस्टेंसी मैंने क्या बोला ये रिसिस्टेंट पावर है ठीक है सॉइल का अपने डिफॉर्म होने का अपने शेप और स्ट्रक्चर से चेंज होने का तो कितना ये अपने आप को रिसिस्ट कर सकता है लेट्स सी दैट मीन डिफिनीसन सॉइल कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड एज द रिसिस्टेंट ऑफ अ सॉइल एट वेरियस मॉइस्चर कंटेंट टू मैकेनिकल स्ट्रेच और मैनुपलेसन मतलब बोल बोरा सॉइल कंसिस्टेंसी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं रिसिस्टेंट एट वेरियस मॉइस्चर कंटेंट कि मतलब अलग अलग मॉइस्चर के लेवल पे वो कितना रिसिस्टेंट है मैनुपलेट होने से चेंज होने से अगर हम उसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस डा डालते हैं तो इट कम्बाइंस बोथ कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स ये जो कसायल कंसिस्टेंसी है इसमें क्या कर दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स जो कि डिटरमाइन करता है कि, कि कितना ईजिली वो रप्चर करेगा कितने जल्दी वो डिफॉर्म हो जाएगा अपने हिस से कोहेसिव फोर्स क्या होता है स्टूडेंट कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स जो दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है फोर्स वो कोहेसिव का होता है जैसे मान लीजिए वाटर वाटर के बीच अगर जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स होगा जैसे सॉयल सॉइल के बीच जो फोर्स लगेगा वो कोहेसिव फोर्स होगा एंड सॉयल एंड वाटर के बीच जो फोर्स लगेगा वो एडहेसिव फोर्स होगा एडहेसिव फोर्स एक मोल्क्यूल के दूसरे मोल्क्यूल के साथ लगता है ले सी सॉइल कंसिस्टेंसी सोयल कंसिस्टेंसी इज डिस्क्राइब एट थ्री मॉइस्चर लेवल सॉइल कंसिस्टेंसी को तीन लेवल पर डिफाइन करते हैं तीन लेवल पर इसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट बेस्ट सेकेंड मॉइस्ट एंड थर्ड ड्राई सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेर्सॉइल से सॉइल कंसिस्टेंसी को कैसे देखते हैं कैसे मेजर करते हैं कंसिस्टेंस डिनोटेड बाई टर्म्स स्टिकनेस एंड प्लास्टिसिटी बेर्स में क्या दो चीज़ कंसिडर करते हैं कितना स्टिकनेस है उस सॉइल में और कितना प्लास्टिसिटी है स्टिकनेस मतलब क्या चिपचिपा कितना गम लाइक -like बिहेवियर वो कर रहा है और प्लास्टिसिटी कितना प्लास्टिक ये प्लास्टिसिटी प्लास्टिक वाला प्लास्टिक नहीं प्लास्टिसिटी मतलब खिंचाओ कितना वो स्ट्रेस कर सकता है ठीक है लेट्स फर्स्ट स्टिकनेस स्टिकनेस को चार भाग में डिवाइड किया है नन स्टिकी स्लाइटली स्टिकी स्टिकी एंड वेरी स्टिकी आप इस पिक्चर में देख सकते हो जैसे ये हाथ में सैंड लिया हुआ है आप सैंड को लेकर देखो आप दूसरे हाथ में उसको हल्का सा मतलब मॉइस्ट वेट होना चाहिए भीगा हुआ भीगा हुआ सैंड उसको हाथ में आप लेकर देखो वो आपको चिपकेगा ही नहीं ठीक है सैंड कभी नहीं लेकिन अगर आप थोड़ा सा कोई नॉर्मल स्वाइल लो जिसमें थोड़ा सैंड और और अदर पार्टिकल प्रेजेंट है तो आप देखोगे हल्का सा चिपचिपा होता है वो आपके हाथ में लग जाएगा बट अगर आप लोगे ना तो वो पूरा चिपचिपा सा हो जाएगा और वो पूरा गम लाइक -like आपके हाथ में पूरा लग जाएगा ठीक है तो ये स्टिकनेस के बेसिस पे चार वाघ में डिवाइड किया है नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी ऑफ अ सॉइल इज़ टू चेंज इज सेप डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेस एंड टू रिटेन सेप इवन वेन स्ट्रेस इज रिमूव बोला प्लास्टिसिटी क्या है हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि, कि मतलब जो सॉइल का जो सेप है वो अंडर स्ट्रेस कितने टाइम के बाद चेंज होता है ठीक है इसको कैसे चेंज चेक करेंगे आप जैसे बचपन में खेले होंगे ठीक है मिट्टी के साथ सॉयल के साथ आपने लंबे लंबे से या कुछ बनाया होगा कुछ मूर्ति बनाया वगैरह बनाया होगा इसमें कैसे चेक करोगे आप इस तरह से सेब बनाओगे ठीक है आप देखोगे कि कितना लंबा ये फॉर्म होता है या फिर कितना जल्दी ब्रेक होता है इस प्लास्टिक बेसिस पे चार भाग में बांटा गया है नॉन प्लास्टिक स्लाइटली प्लास्टिक प्लास्टिक और वेरी प्लास्टिक कहने के बाद मतलब नॉन प्लास्टिक मतलब आप सैंड को ले लो ठीक है सैंड में आप वाटर डालोगे और उसको इस फॉर्म में बनाने की को कोशिश करो वो कभी नहीं बनेगा इलोंगेटेड फॉर्म में कभी फॉर्म ही नहीं होगा ठीक है और कोई अगर दूसरा मिट्टी जिसमें कम क्ले प्रेजेंट है आप क्या देखोगे वो थोड़ा छोटा बना और वो ब्रेक डाउन हो गया ठीक है उसके आगे अब वो लंबा नहीं बन सकता वो उससे ज़्यादा वो इलोंगेट नहीं हो सकता स्ट्रेच अच नहीं हो सकता ठीक है अगर ये बहुत लंबा फॉर्म कर रहा है थिन थिन इलागेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है नेक्स्ट विथ मॉइस्टर मॉइस्ट साइल से कैसे मेजर करते हैं मॉइस्ट सॉइल मेजर्ड विथ रेसिस्टेंट टू क्रसिंग इसको कैसे मेजर करते हैं कि क्रस मतलब टूटना जैसे आप इस, इस डायग्राम में देख रहे हो कि ये राउंड राउंड मान लो आपने किसी सॉइल से बॉल बनाया और उसे आप फेंक दो ठीक है तो देखना कि कितना कितना जल्दी वो रप्चर करता है या फिर नहीं करता है ठीक है इसको इसको सिक्स भाग में डिवाइड किया है फर्स्ट लूज वेरीफाईवर फ्लाई ओवर फर्म वेरी फर्म एक्सट्रीलिम फर्म मतलब लूज मतलब पूरा लूज है जैसे सैंड वेरी फ्लाई मतलब थोड़ा सा वो उसमें कोहरेंट मीन थोड़ा सा फोर्स लगा हुआ है बट वो बहुत जल्दी टूट जाएगा ठीक है इसमें आपको क्या करना है मॉइस्ट ऑयल में मॉइस्ट में मॉइस्चर प्रजेंट हो बट कम अमाउंट में मींस क्या कहता है वाटर वेट और मॉइस्ट में अंतर है वेट मतलब गीला पूरा मिट्टी से वो उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट है मॉइस्ट में बहुत कम अमाउंट पे वाटर प्रेजेंट है मीन्स अगर किसी सॉइल में आप वाटर डालते हो आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर जो उसमें मॉइस्चर बच जाता है वो मॉइस्ट सॉइल हुआ ठीक है फ्राइवल मीन्स ईजिली क्रश्ड अगर आप उसको राउंड शेप में बना रहे हो उसके बाद आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो वो टूट जाएगा फर्म क्रश विथ मोडरेट प्रेशर मीन्स टूट तो जाएगा बट कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा वेरी फर्म क्रसेबल अंदर स्ट्रांग प्रेशर और ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो और एक्सट्रीमली फर्म मतलब जो कि रिसिस्टेंट होता है वो इस तरह तरह से होगा ना कि अगर आप उसे फेंकोगे तो वो टूटेगा नहीं उसका सेप डिफॉर्म हो जाएगा राउंड से इस टाइप में बट वो ब्रेक नहीं होगा वो है एक्सट्रीमली फॉन थर्ड नेक्स्ट सी ऑन ड्राई बेसिस ओके इन द दबसेंस ऑफ मॉइस्चर जैसे आपको पता है आप मॉइस्चर होगा ही नहीं ठीक है द डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस इज रिलेटेड टू अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल फॉर ईच अदर तो इसमें रेसिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं कि कितना अट्रैक्ट है पार्टिकल एक दूसरे से सबसे पहले लूज मतलब अट्रैक्ट ही नहीं है सेकेंड सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट है ब्रेक हो जाएगा हल्का सा वैसे मारा देखते हो आप को, कोई कोई सॉयल अगर आप फील्ड में जाओ तो कोई कोई साइल को आप ऐसे ही हा, हाथों से उसको टच करते हो तो बट टूट जाता है ठीक है ब्रेक डाउन हो जाता है स्लाइटली हार्ड कोई कोई ऐसा पा, पार्टिकल होता है कोई कोई ऐसा एग, एग्रीगेट होता है सॉइल स्ट्रक्चर होता है जिसे आप तोड़ने की कोशिश करते हो बट वो नहीं टूटता है मतलब थोड़ा सा उस पर प्रेशर लगाना पड़ता है तब वो जाकर टूटता है हार्ड मतलब और भी ज़्यादा अगर आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो वेरी हार्ड मतलब रिसिस्टेंट है प्रेशर का जैसे आप कोई कोई सॉइल में अगर प्लो करते हो ठीक है जो आपका जब मिट्टी को डग करते हैं खोदते हैं तो उसमें देखते हो ना हल्का सा अगर मॉइस्ट रहता है तो थोड़ा ईजिली डग होता है ईजिली खुदाई हो जाता है उसमें बट अगर ड्राई है बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा आपको उसमें प्रेशर लगाना पड़ता है तब जाकर कहीं जाकर सॉइल क्या होता है टूटता है ब्रेक डाउन होता है वो डिफॉर्म होता है तो ये दिखा रहा है कि रेसिसटेंस कितना है उस सॉइल में वो रिसिस्टेंस ही तो था सॉइल का जो ईजली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था आई होप स् आपको ये लेक्चर समझ आया हो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो देन लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल से आप टेली टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो अगर आप वहाँ पे सर्च मार हो बेसिक एग्री हब या फिर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा स्टूडेंट अगर आपको कोई इशू है कोई प्रॉब्लम है कोई इस टॉपिक रिलेटेड देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो Thank you, student.